पुराने जमाने के कलाकार भी क्या खूब कंसिस्टेंट रहते थे। एक बार इन पर किसी किरदार का धब्बा लग जाए तो लाख कोशिशों के बाद भी वे दूसरे किरदार निभा नहीं पाते थे। अब स्क्रीन पर आप जिसकी तस्वीर देख रहे हो, उन्हें क्या पता था कि उन्हें हर एक फिल्म में हीरो के हाथों सिर्फ मार खाना है। जी हाँ, इन महाशय ने अपने सभी फिल्मों में मार ही खाया है। इनका नाम गुरबचन सिंह है और इन्हें आपने 80 और 90 के दशक में लगभग 200 से भी अधिक फिल्मों में देखा होगा। इनका चेहरा भी इतना प्यारा है कि आप इन्हें किसी भी फिल्म में तुरंत पहचान लोगे। इन्हें पहचान मिली इस गाने के कारण। वैसे अमजद खान के मुक्को ने इनका करियर बनाया, पर वे तो धर्मेंद्र थे जिनकी बदौलत वे पंजाब के छोटे से गांव से निकलकर मुंबई बस गए। तो चलिए जानते हैं इनकी कहानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी रेडियो। सारा गांव जानता है कि तू कितनी नीच और घटिया किस्म की औरत है। हजारों पापी मरते हैं तो तुझ जैसी पापिन पैदा होती है। इसने पकड़ा है और मारा भी बहुत है हवलदार जी। हवलदार किसको बोलता है? पकड़ा इन्हें है, लेकिन महेश की बदौलत। गुरबचन सिंह जैसे कलाकारों की कहानी सुनाने में हमें अच्छा महसूस होता है, क्योंकि आसमान में चमकते कुछ सितारों के कारण बाकी सितारों की रोशनाई का एहसास होता नहीं, पर वे सितारे भी बाकियों की तरह चमकते हैं। फिल्म उद्योग में भी सैकड़ों कलाकार ऐसे हैं जिन्हें आज जानने की जरूरत है। ये तो मेरे काम की चीज है। जजन साहब, आपका धंधा भी कमाल का है। पुलिस आतंकवादियों पर छापा मारकर उनके हथियारों को अपने कब्जे में लेती है। गुरबचन सिंह का जन्म पंजाब के गुरदासपुर में 60 के दशक में हुआ। उनके पिताजी करतार सिंह नारू एक मध्यवर्गीय किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनकी माताजी राजकौर गृहिणी थी। करतार सिंह नारू 1926 के साल के मैट्रिक पास इंसान थे। आगे चलकर वे गुरदासपुर के एक गांव में तहसीलदार बन गए। इस कारण से शहर के नामी परिवार से उनकी पहचान बनी। बतौर तहसीलदार उनका गांव में एक रुतबा जरूर था, फिर भी उनका जीवन एक सामान्य स्तर में बीता। ऐसे सहज परिवार में गुरबचन सिंह ने जन्म लिया। इंसान जहर खाकर तो बच सकता है, पर गोगा दादा का हफ्ता खाकर नहीं बच सकता। अब तेरी बेटी के लिए गोगा जो है, गोगा अल्लाह के लिए मुझ पे रहम कर। अरे गोगा रहम नहीं खाता, हफ्ता खाता। गुरबचन सिंह का रुझान दो जगह था, एक तो कुश्ती और दूसरा एक्टिंग। वे जिस जगह से जुड़े थे वहाँ से बड़े बड़े हस्तियों ने माया नगरी मुंबई जाकर नाम कमाया था। 100 से भी अधिक महान हस्तियाँ अकेले गुरदासपुर से निकले थे। एक्टिंग में दिलचस्पी होने के कारण वे ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, पर कुश्ती की दुनिया में वे काफी सफल होते हुए दिखे थे। गुरबचन सिंह मैट्रिक की पढ़ाई कर रहे थे तब उन्हें एहसास हुआ कि उनसे पढ़ाई होगी नहीं। तहसीलदार का ये बच्चा मैट्रिक में 2 बार फेल हो गया। पिताजी को उन्होंने सीधे बोल दिया कि पढ़ाई उनसे होगी नहीं। बचपन से वे देवानंद के बड़े फैन थे। बाकी कलाकारों की फिल्में देखकर वे बड़े हुए थे। उनकी माताजी ने उनको बोल दिया था कि वे खुद अपना नाम इतना रोशन करें कि दूसरे लोग उन्हें देखने के लिए आने चाहिए। पिताजी के सामने जाकर उन्होंने एक्टर बनने की इच्छा जाहिर कर दी। बहुत अंधेरा है तो तुम तीनों अपनी टॉर्च की रोशनी में मंजिल। कौन है तू? तू सील तोड़ेगा, मालूम नहीं येड़ा भाई का सील है। फिल्म जगत में जुड़ने से पहले उन्होंने प्रो रेसलर टाइगर जीत सिंह को अखाड़े में हराया था। इसके अलावा उन्होंने दारा सिंह के भाई रंधावा से 36 मिनट तक कुश्ती खेली थी, पर उस मैच में वे हार गए। उस हार की खबर न्यूज़पेपर में भी छपी थी। 16-17 साल की उम्र में उन्होंने कुश्ती खेलना शुरू किया था। वे बकायदा गुरु सरदार साहिब सिंह जी के यहाँ ट्रेनिंग ले रहे थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए वैसे वैसे अखाड़े से निकल कर फिल्मों के करीब जाने लगे। 1960 और 65 के बीच धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत सिंह देवल गुरुदास रेलवे स्टेशन में जॉब करते थे। गुरबचन के पिताजी अजीत सिंह को पहचानते थे। पिताजी के कहने पर अजीत सिंह ने अपने भाई धर्मेंद्र के नाम गुरबचन के लिए सिफारिश पत्र लिखा।
चिट्ठी देखकर अजीत सिंह ने गुरबचन सिंह के पिताजी को गारंटी दी कि उनके बच्चे का काम हो जाएगा। लफंगा मवाली दारू पीकर पब्लिक के अमन चैन में खलल डालता है और सरकार से पूछता है कि मेरा कसूर क्या है। ये है तो वो अपने आप आएगा। उस चिट्ठी को लेकर गुरबचन मुंबई आए, पर उन्होंने अपना दिमाग चलाया और गुरदासपुर से आए हुए अन्य कलाकारों को मिलना शुरू किया। एक के बाद एक कलाकारों ने गुरबचन को रिजेक्ट किया। सबसे पहली मुलाकात खुद दारा सिंह से हुई। फिल्म लाइन में काम करने वाली बात सुनकर दारा सिंह ने उन्हें गाली देकर कहा कि आप इतने अच्छे रेसलर हो, अखाड़ा छोड़कर यहाँ कहाँ चले आए। दारा सिंह ने उन्हें ये भी कहा कि ये माया नगरी है, यहाँ किसी का भला नहीं होता। इस पर जवाब देते हुए गुरबचन ने दारा सिंह से कहा कि वे सिर्फ और सिर्फ फिल्म लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ये सुनकर दारा सिंह ने उनकी मदद करने से सीधे मना कर दिया। इसके बाद गुरबचन देवानंद के घर चले गए। नौकरों ने ऊपर जाकर देवानंद को किसी के आने की खबर दी। देवानंद सामने आए और गुरबचन ने बोलना शुरू किया, सर मैं गुरदासपुर से आया हूँ। उनके बात को आधे में काट कर देवानंद ने कड़े शब्दों में उनकी निंदा कर दी। दरअसल देवानंद उन पर यकीन कर नहीं रहे थे। देवानंद के इनकार करने के बाद वे राज खोसला के यहाँ चले गए। वहाँ भी उनकी दाल गली नहीं। अंततः उन्हें अजीत देवल ने लिखी हुई चिट्ठी याद आई। यहाँ से दोबारा गुरदासपुर न लौटने की बात पर गुरबचन अड़े रहे। ओए पुत्र अब मुनियो, वो मेरे ढाबे का जो चक्कर भी तोड़ा है उसका नुकसान कौन भरेगा? तो मैं क्यों भरूं पापे? वो दड़ियल तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे तेरे जैसे आदमी से तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मेरी बीवी है। ये आपके पति? हाँ। नमस्ते। चिट्ठी लेकर वे धर्मेंद्र के बंगलो गए। वॉचमैन ने उनसे अजीत देवल की लिखी चिट्ठी ले ली और उन्हें 10 मिनट तक इंतजार करवाया। गुरबचन को लगा कि यहाँ भी उनका काम होगा नहीं, पर इस बार उन्हें किस्मत का साथ मिला। वॉचमैन दोबारा उनके पास आया और बोला, आपको धर्मपाजी ने अंदर बुलाया है। धर्मेंद्र का इतना बड़ा बंगलो देखकर गुरबचन पहले ही चौंक गए थे। दो माला चढ़कर जब उन्होंने धर्मेंद्र को सामने बैठे हुए देखा तो वे असहज हो गए। धर्मेंद्र ने उन्हें देखकर पहला सवाल पूछा, शराब पियोगे? गुरबचन ने कहा, सर मैं शराब पीता नहीं। ठीक है, चाय पियोगे? नहीं सर, मैं चाय भी नहीं पीता। तो इस तरह से धर्मेंद्र से उनकी मुलाकात हुई, बातें हुई और गुरबचन का काम भी हो गया। जब धर्मेंद्र को पता चला कि मुंबई में उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तुरंत ही उन्होंने गुरबचन को अपने घर में रहने के लिए कहा। शुरू शुरू में गुरबचन ने मना किया, पर धर्मेंद्र जिद करने लगे। उन्होंने दारा सिंह के यहाँ से अपना सामान लाया और धर्मेंद्र के साथ रहने लगे। धर्मेंद्र ने उन्हें ये भी कहा कि उनके पास सैकड़ों चिट्ठियां आती रहती हैं। क्या हुआ बेबी, नाचना क्यों बंद कर दिया? नाचो और नाचो। मैं कभी मत आना। ओहो, नहीं तो ये वर्दी उतार के ना खूंटी पर टांग दूंगा। अच्छा जी। एक तो मैं अपने आप को कैदी नहीं समझता, दूसरे वो मेरे आराम का वक्त था। इस जेल में तुम बहुत आराम। धर्मेंद्र के कारण गुरबचन को मुंबई में सहारा तो मिल गया, पर एक्टिंग को लेकर वे तब भी परेशान ही थे। धर्मेंद्र के साथ दूसरे लोगों ने भी उनकी कुश्ती की तारीफ की थी। उनकी बॉडी बिल्डिंग से सब लोग प्रभावित होते थे, इसलिए अन्य लोगों ने उन्हें फाइट मास्टर बनने की सलाह दी। पहले चरण में अजय देवगन के पिता वीरू देवगन ने उन्हें अपना असिस्टेंट बना लिया। वे न सिर्फ धर्मेंद्र के डबर बने बल्कि मनोज कुमार और दिलीप कुमार का डबर बनने का भी मौका मिल गया। बॉडी डबर से शुरू हुआ उनका सफर साइड विलन तक पहुंचा। 1973 की कच्चे धागे में उन्होंने छोटा सा रोल निभाया। उसके बाद तो फिल्मों की लाइन लग गई। हर साल 15-20 फिल्मों में गुरबचन लगातार दिखने लगे। 1977 के इनकार फिल्म का जिक्र तो हमने पहले ही कर दिया है। धर्मेंद्र के बाद उन्हें दूसरी सबसे बड़ी मदद अमजद खान से मिली। तब अमजद खान डायरेक्टर बन गए थे। उनके द्वारा डायरेक्टेड चारों फिल्मों में गुरबचन को अच्छे किरदार निभाने का मौका मिला। आज शायद इनका नाम बहुत कम लोग जानते होंगे, पर गुरबचन जैसे ढेर सारे कलाकारों की पहचान छुपी हुई है। आसमान में चमकते हजारों सितारों की तरह गुरबचन नामक इस सितारे ने 250 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है और आज भी वे काम कर रहे हैं। आज के दौर में गुरबचन अपनी पत्नी गुरिंदर, एक बेटा अंकु और एक बेटी बिब्बन के साथ सुख भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। आज भी सोशल मीडिया के माध्यम से वे अपने फैन से जुड़े हुए हैं।